केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान मेरठ के मेडिकल अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान WHO के अधिकारी 50 मिनट लेट पहुंची, जहां वही न्यूज वन इंडिया ने जब अधिकारी से सवाल किया तो वो बचती हुई नजर आई उन सवालों से। कोविड को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हर जिला अस्पताल और अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाए। तो यहाँ पर देखिए WHO के अधिकारी पहुंचे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाएंगे किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पहली बात की जाए, फर्स्ट और सेकेंड वेव की बात की जाए, तो जिस तरह से कोरोना भयभीत होकर के लोगों को परेशानी हुई थी, समस्या हुई थी, मेडिकल को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसी को लेकर के जो चाइना की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, पहले से ही मुस्तैद करने के लिए यहाँ पर ये डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। साथ ही मॉक ड्रिल के साथ साथ यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल यहाँ कुछ अधिकारी हैं WHO के, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ मॉक ड्रिल की जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से देखा जाए कि सुबह 10 बजे का समय था, लेकिन अब लगभग 11 बज चुके हैं, जो मॉक ड्रिल है वो अधिकारी यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे क्यों इतनी लेट यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है। तकरीबन देखा जाए तो सुबह 10 बजे के बाद अब 11 का समय हो चुका है। मैं मॉक ड्रिल का समय सुबह 10 बजे का था, अब आप 11 बजे पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना मेरा। मैं लेट पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई लेट नहीं पहुंचे, कुछ नहीं कहना मेरा, प्लीज लेट मी डू माय वर्क। देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं WHO के, वो काफी देरी से पहुंचे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का और साफ तौर पर निर्देश है प्रमुख सचिव का कि सुबह 10 बजे से हर जिला अस्पताल और जो जिले हैं वहां पर जो अस्पताल हैं, मेडिकल अस्पताल हैं, वहां पर मॉक ड्रिल की जाए। लेकिन जो WHO के अधिकारी हैं वो लेट पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मेडिकल अस्पताल ने यहाँ पर बेड तैयार किए हैं, उसी के साथ साथ कोविड को लेकर के सतर्कता नजर आ रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।